आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। नौकरी पेशा लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है। दरियान सरकार ने नई सोशल सिक्योरिटी कोड बिल 2019 में कर्मचारियों को अपनी मर्जी से पीएफ कटवाने की सुविधा प्रदान कर दी है। इस नए बिल का केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को मंजूरी दे दी। जल्द ही इस बिल को संसद की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारियों को अपनी मर्जी से कम पीएफ कटवाने की सुविधा देने से उनके सैलरी में इजाफा हो जाएगा, यानी इस सुविधा से कर्मचारियों को मिलने वाले टेक होम सैलरी में बढ़ोतरी हो जाएगी। टेक होम सैलरी वह होती है जो एक कर्मचारी सभी प्रकार की कटौती के बाद उसे मिलेगी। हालांकि नए बिल में कहा गया है कि नियुक्ति यानी नौकरी देने वाली कंपनी अपने 12% का पूरा हिस्सा उस कंपनी को देना होगा। इस सुविधा से कंपनी को कोई लाभ नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ ने कर्मचारियों और कंपनी दोनों कुल सैलरी का 12% अंशदान देना होगा। आपको बता दें कि नई सोशल सिक्योरिटी कोड बिल 2019 में केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्रों के वर्करों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। इसके तहत हर क्षेत्र में वर्करों के लिए एक यूनिक आईडी कार्ड दिया जाएगा। इस कार्ड में वर्कर से जुड़ी सारी जानकारी उपलब्ध होगी। यह यूनिक कार्ड आधार कार्ड से लिंक होगा। इस कार्ड के जरिए असंगठित क्षेत्र के वर्कर आसानी से सरकारी सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे।